कौन है कांग्रेस से निकाले गए नेता आशीष देशमुख, जिन्होंने फडणवीस की मौजूदगी में थामा बीजेपी का हाथ? आशीष देशमुख अब दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में उनकी एंट्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में हुई। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी। आखिरकार आशीष देशमुख 18 जून को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले आशीष देशमुख ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने किसी पद की मांग नहीं की, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे करता रहूंगा। श्रद्धा और सबूरी मेरी अगली राजनीतिक चाल होगी। मैं विदर्भ के हित में काम करूंगा। आशीष देशमुख ने कहा, नितिन गडकरी मेरे लिए पिता समान है, मैं उनका आशीर्वाद लेकर काम करता रहूंगा। देशमुख ने कहा, पार्टी में अगला कदम धैर्य, विश्वास और धैर्य के साथ होगा। आशीष देशमुख कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रंजीत देशमुख के बेटे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।